तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिमन्यू IAS नंबर वन प्लेटफॉर्म फॉर CSAT प्रिपरेशन। तो आपका कल प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है, तो होपफुली आपका रिजल्ट अच्छा रहा होगा। ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा भी आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट कैसा रहा। ठीक है, क्योंकि देखो बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, बहुत मेहनत की। अगर किसी वजह से थोड़ा बहुत नेगेटिव रिजल्ट भी आपका आया हो या सिलेक्शन ना हो या इनडायरेक्टली, अगर मैं डायरेक्टली अब कहूँ, तो आपने क्या करना है, उन खामियों पे अब काम करना है हमारे साथ। ठीक है, जिन खामियों की वजह से इस बार प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया और आप IAS बनने से चूक गए, बहुत सीरियसली इस बात को सुनिए। व्हाट आई एम सेइंग कि आपने क्या करना है, उन नेगेटिव चीजों को देखना है जो आपके लिए पॉजिटिव में बदल सकती हैं। नेगेटिव चीजें कौन सी, जहां पे गलतियां आई, जहां पे नेगेटिव मार्किंग हुई है, जिन चीजों की वजह से पेपर अच्छा नहीं हुआ, उन चीजों को देखना, अपने एनालिसिस करना है। आप लोगों ने एनालिसिस करना है, अपने आप में आत्ममंथन करना है कि कहां पे चूक हुई, कि कहां पे एरर्स थे आपके, बेसिकली एरर कहां पे था। ठीक है, मेहनत आपने की है, बट क्या उसकी डायरेक्शन गलत थी? क्या उसकी डायरेक्शन गलत थी? ठीक है, अगर हाँ तो प्लीज 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 उस डायरेक्शन को ठीक कीजिए, हमारे साथ जुड़िए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया व्हाट्सएप ग्रुप का। क्लियर, एंड जुड़िए हमारे साथ। नंबर इज 9517771651। स्टूडेंट, आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लास्ट ईयर भी आपने देखा, अभी जो हमने करवाया था सारा का सारा कोर्स में, प्लस थोड़े सेशंस में, एमसीक्यू सेशंस में, वो ऑलमोस्ट बहुत सारा डाटा एग्जाम में है, तो ऐसा ही होगा। क्लियर, तो चलिए। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट इज हमारा CSAT 2025 टारगेट जल्दी स्टार्ट हो रहा है। विद इन अभी बहुत जल्दी हम स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें बहुत अच्छी तरह से आपका एप्टीट्यूड कराया जाएगा, लॉजिकल रीजनिंग पूरी कराई जाएगी और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। खासकर इस बार हम कॉम्प्रिहेंशन पे जोर देने वाले हैं। ठीक है, आपके एडवांस्ड मॉडरेटेड मेथड्स के साथ हम चलेंगे। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल अस एट 9517771651 एंड दिस इज अवर चंडीगढ़ एंड मोहाली सेंटर एड्रेस। यू कैन ऑल्सो विजिट देयर। क्लियर, और एक व्हाट्सएप ग्रुप है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। जो भी आपके पास वेबिनार के लिंक्स होंगे, जो भी होगा, जो भी वीडियोज के लिंक है, PDF से, सब इसी ग्रुप में शेयर की जाती हैं। सो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो। चलिए, ये मैंने आपको बताया कि परसेंटेज के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। मतलब सब टॉपिक्स मैंने बताया आपको, कि जैसे वोटिंग वाला हो गया, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये फ्रैक्शंस वैल्यूज याद करना, क्योंकि इसका इंप्लीमेंट डायरेक्टली एग्जाम में करना है। चाहे वो DI की बात हो, चाहे वो अर्थमेटिक का टॉपिक हो, डायरेक्टली इसका इंप्लीमेंटेशन हमने करना है। ठीक है, चलिए चलिए, आज का क्वेश्चन 2018 से खत्म किया, तो वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 2 है मेरा ये। चलिए, क्या ऐसा क्वेश्चन मैंने एग्जाम में किया, मतलब अभी एमसीक्यू में किया? बिल्कुल किया, एक नहीं मल्टीपल किए हमने। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी CSAT 2018 का। स्टूडेंट हैज टू गेट 40% मार्क्स टू पास एन एग्जामिनेशन। सपोज ही गेट 30 मार्क्स एंड फेल बाय 30 मार्क्स, देन व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। मैक्सिमम मार्क्स क्या हो सकते हैं? देखो अब ध्यान से, फिर वह एक लाइन चार्ट बना लो छोटा सा। ये 0 मार्क्स है, ये मैक्सिमम मार्क्स है। ठीक है, क्या बोल रहा है, स्टूडेंट हैज टू गेट 40% मार्क्स टू पास इन एन एग्जामिनेशन। मतलब यहां पे ये मेरे क्या पासिंग मार्क्स, ये कितने मेरे पास, ये मेरे पास 40%। ठीक है, सपोज ही गेट 30 मार्क्स एंड फेल बाय 30 मार्क्स। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मैंने करवा दिया। अब अगर एग्जाम में आएगा तो आप कर लोगे जैसा मर्जी, जो जो मैक्सिमम चीजें इसमें पूछ सकते हो मैं बताऊंगा, और सारी चीजें हम हल करेंगे। वो कह रहा है कि उसके कितने मार्क्स आए, 30 मार्क्स आए। कि एक स्टूडेंट के 30 मार्क्स आए और कितने मार्क्स से फेल हो गया वो, कितने मार्क्स आए, 30 मार्क्स आए, 30 मार्क्स और चाहिए थे। इसका मतलब जो मेरे पास परसेंटेज वो 40 है, यानी पासिंग मार्क्स कितने, 40% ऑफ टोटल मार्क्स। और वो किसके इक्वल है, 30 मार्क्स तो आए हैं और 30 मार्क्स हो चाहिए थे पास होने के लिए, किसके बराबर है, 60 के बराबर है। यानी 40% ऑफ टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 60, 2/3 ऑफ टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 60, टोटल मार्क्स कितने हो गए मेरे पास? 2/5, सॉरी 2/5। ठीक है, टोटल मार्क्स कितने हो गए? 30 × 5 यानी कितना? 150। ठीक है, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, बट अगर आपने ऐसा क्वेश्चन पहले ना किया हो ना, फिर दिक्कत आ सकती है। क्लियर? तो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, कोई डाउट हो तो 951777 इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही आंसर है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, सही टाइम है, ज्वाइन कर लो, बिल्कुल सही टाइम है। क्योंकि पिछली बार कितना बहुत सारे बच्चे यही सोच के लगे रहे, बहुत हाई लेवल की। देखो, मैंने जब बैच भी करवाया था ना स्टूडेंट्स, तब मैंने क्या बोला था? अभी बेसिक से चलेंगे, बेसिक टू एडवांस की बात करी थी मैंने कि हम बेसिक से शुरू करके एडवांस लेवल पे चलेंगे। हमेशा तैयारी ऐसी की जाती है, तैयारी कभी वो नहीं होती कि पहले ही आप पहाड़ चढ़ जाओ या एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पे चले जाओ। नहीं, तैयारी वो है जो जीरो से शुरू हो। आपको बार बार गिर के उठना पड़ता है, ठीक है? आपको बार बार तैयारी करनी पड़ेगी, उन्हीं चीज़ों से लड़ना पड़ेगा, समस्याओं को हल करना पड़ेगा, जब जाके आप एक IAS ऑफिसर बनेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि जो किया वो पेपर में आ जाएगा, नहीं। 10% मान सकता हूँ कि आ जाए, बट 70% अगर 90% आपका नया भी आ रहा है, तो आपको क्या करना है? उससे लड़ना है। क्यों? आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे, फिर आप कर सकते हैं। यही CSAT में हमारे स्टूडेंट के साथ हुआ, काफ़ी क्वेश्चन किए हुए थे, बाकी कॉन्सेप्ट पता थे, तो आपका एग्जाम अच्छा हो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट इज, चलिए UPSC CSAT 2019 का पेपर शुरू हो चुका। आपके लिए परसेंटेज, राजू हैज 9000 विद हिम एंड ही वांट्स टू बाय अ मोबाइल हैंडसेट, but he finds that he has only 75% of the amount required to buy the handset. कि वो क्या कह रहा है कि राजू के पास 9000 रुपये हैं, ठीक है, जो किसी मोबाइल हैंडसेट को खरीदने का 75% है। अब उसको पता चलता है कि यार ये पैसे तो कम पड़ रहे हैं, फिर उसने क्या किया? Therefore he borrows 2000 from a friend. उसने कितना आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, कुछ नहीं करना। उसने 2000 अपने दोस्त से उधार ले लिए। अब बताना है कि क्या क्या हो सकता है। राजू स्टिल डज नॉट हैव इनफ मनी टू बाय द हैंडसेट। राजू हैज एग्जैक्टली द सेम अमाउंट एज रिक्वायर्ड टू बाय द हैंडसेट। राजू हैज इनफ अमाउंट टू बाय द हैंडसेट एंड ही विल हैव 500 विद हिम आफ्टर बाइंग द हैंडसेट। राजू हैज इनफ अमाउंट टू बाय द हैंडसेट एंड ही विल हैव 1000 विद हिम आफ्टर बाइंग द हैंडसेट। देखो, सिंपल, कुछ नहीं है। उसने क्या बोला? मेरे पास 900 रुपये, सॉरी 9000 रुपीज, ठीक है, बट ही फाइंड दैट ओनली 75%। भाई 75% अमाउंट है, उसकी वैल्यू कितनी दी है? 9000। तो 100% क्या करूँ? मुझे निकालनी होगी। मैं क्या करूँगा? देखो, 25 3 25 4 रेशो में तोड़ लो। 3 की वैल्यू कितनी है? 9000 कितना गुना? 3000। इसको 3000 करोगे तो सबसे पहले तो मुझे क्या फाइंड आउट करना था कि जो मेरा हैंडसेट उसका प्राइस कितना है। तो ये क्या हो गया? प्राइस ऑफ हैंडसेट, प्राइस ऑफ हैंडसेट। समझ आ गई बात? मतलब 12000 अगर मेरे पास इकट्ठे होते हैं 2000 को मिलाने के बाद, तब मैं कह सकता हूं कि हाँ मेरे पास अमाउंट है। अब 9000 थे, इन भाई साहब ने क्या किया? राजू जी ने 2000 और ले लिए, तो कितना बचा? 11000 बच गया। मतलब टोटल 11000 हो गया। तो ये कितने थे मुझे? 12000 है, कितने? 11000। कौन सर? ऑप्शन नंबर ए। अभी भी अमाउंट इतना नहीं है कि मेरा हैंडसेट में खरीद पाऊँ। क्लियर? तो दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, बट फिर भी मैंने पूरे तरीके से, पूरे इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है कि कुछ भी पॉइंट या कॉन्सेप्ट ना रुके। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, कोई डाउट हो तो इस नंबर पर कॉल कीजिए, 9517771651। क्लियर? क्लियर, कॉल कीजिए, इस पर व्हाट्सएप कीजिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज, कल भी हमने एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन किया था, जहां तक मुझे लग रहा है। नहीं किया तो इसमें देख लेंगे। देखिए क्या दिया, ऑल मेंबर्स ऑफ अ क्लब वेंट टू मुंबई एंड स्टेड इन अ होटल। कि सारे के सारे मेंबर्स हैं किसी क्लब के और वो होटल में रुके। इन द डे वन या फर्स्ट डे 80% वेंट फॉर शॉपिंग एंड 50% वेंट फॉर साइटसीइंग। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, देखो जब भी आपके पास ऐसा हो, देखो हमेशा क्या होता है टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हमेशा 100% होंगे, कोई भी डाटा वो क्या होगा मेरे पास हमेशा 100% होगा। क्लियर? उसने बोला 80% तो गए शॉपिंग के लिए और 50 गए साइट सीन के लिए। 80 प्लस 50 कितना हो गया 130 हो गया। 80 प्लस 50 130 हो गया। इसका मतलब अगर डाटा 100 से ऊपर बढ़ गया इसका मतलब ऐसा कुछ जो व्यक्ति हैं वो शॉपिंग के लिए भी गए हैं और कुछ साइट सीन के लिए भी गए हैं, वो कॉमन है। यहाँ से आपको थोड़ा अंदाजा लगना चाहिए कि ये मेरे पास एक वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है और वो भी दो का। ठीक है, वेयर एज 10% टुक रेस्ट इन द होटल। इसका मतलब 100 में से भी 10% गए नहीं गए, जो गए हैं वो कितने हो गए 90%। दैट्स इट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव डाटा। पहला क्या दिया 40% मेंबर्स वेंट फॉर शॉपिंग एज वेल एज साइट सीन, 20% वेंट फॉर ओनली शॉपिंग। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो ये क्या मेरे पास, ये बना हुआ हमारे पास। ठीक है, शॉपिंग ये साइट सीन, ये शॉपिंग हो गया और ये क्या हो गया मेरे पास साइट सीन हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 80% गए शॉपिंग पे और 50% गए आपके पास साइट सीन पे। आपके पास एक फॉर्मूला होता है N of A यूनियन B। यूनियन में मतलब टोटल। क्लियर? इसकी बात भी करेंगे अभी। ये हो गया N of A प्लस N of B माइनस N of A इंटरसेक्शन B। ये हो गया। क्लियर? यही होना भी चाहिए। अब देखो मेरे पास टोटल क्या है, अब 100 में से 10 नहीं गए तो 90 बचे। इज इक्वल टू N of A 80 प्लस दूसरा 50 माइनस ऑफ N ऑफ इंटरसेक्शन बी। ये इंटरसेक्शन कौन सा पॉइंट है, ये वाला सारा का सारा रीजन है। क्या हो गया मेरा, इसे हम बोलता हूँ कॉमन। यूनियन का मतलब सारा और जो उल्टा ए लिख के बीच में डंडी ना लगानी, ये हो गया इंटरसेक्शन बोलते हैं इसको। क्लियर? तो ये कितना होगा देखो N of A इंटरसेक्शन बी हाउ मच 130 माइनस 90 कितना हो गया मेरे पास हो गया 40। यही चीज मेरे से पूछी गई थी। अब देखो ये 40 आ गया, इसका मतलब शॉपिंग के लिए कितने होंगे 40 और साइट सीन के लिए कितने के होंगे आपके 10। 40 शॉपिंग के लिए, सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग के लिए 40, साइट सीन वाले 10 और कॉमन के होंगे 40। 4 4 8 1 9 हो गया पूरा 90। अब आपसे कुछ ही पूछ सकता है। देखो पहला क्या पूछा है, वो पहला सॉरी बताया क्या गया 40% मेंबर वेट फॉर शॉपिंग एज वेल साइट सीन। बिल्कुल ये वाला गया है, ये 40 हुए हैं जो साइट सीन भी गए और शॉपिंग भी गए हैं। ये पहला हो गया क्लियर। 20% मेंबर वेंट फॉर ओनली शॉपिंग, शॉपिंग के लिए कितने गए 40, तो सेकंड वाला हो गया गलत। तो आंसर इज ओनली 1। तो ये वेंट डायग्राम 2 वाला और 3 वाला आपको आना ही आना चाहिए। क्लियर? वेंट डायग्राम 2 और 3 वाला आपको आना ही आना चाहिए। 3 वाले का क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली मैं कराऊंगा, वरना कोशिश करूंगा कि आपको करवा दूं। क्लियर? नोट कीजिए फटाफट, अच्छा क्वेश्चन था काफी। चलिए अब बताओ ये क्वेश्चन कितना मुश्किल है। बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, इससे मुश्किल क्वेश्चन शायद आपने देखा ही नहीं होगा। हांसलो शाबाश। क्या क्वेश्चन दिया है, इन एन एग्जामिनेशन ए स्कोर्ड 20 मार्क्स मोर देन बी। इसका मतलब क्या साफ साफ कि ए माइनस ऑफ बी कितना मेरे पास, ए माइनस बी 20 दिए, यस ये 20 दिए। बी स्कोर्ड 5% लेस मार्क्स देन ए। अब 5% का मतलब कितना हुआ मेरे पास 5/100 यानी कितना 1/20 हुआ। यस, कम किसके भाई, बी हैज स्कोर्ड 5% लेस देन ए। यानी अगर ये 20 था तो ये कितना होना चाहिए 19, 20 था तो 19 होना चाहिए। डिफरेंस कितना दिया, एक की वैल्यू कितनी है मेरे पास 20, तो इसको 20 टाइम्स करो आंसर इज 380। तो 20 टाइम्स करो कितना का 400। क्या पूछा हुआ हाउ मच डिड बी स्कोर, ऐसे कुछ पूछा हुआ। So answer is option number B, 380. Clear? So do like, share, subscribe the channel as well as the video. Clear? नोट कीजिए, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था ये। और अभी भी कह रहा हूँ जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो व्हाट्सएप ग्रुप को, उसमें सारी डिस्क्रिप्शन आने वाली है। कॉल कीजिए 9517771651। क्लियर? अब देखो ये क्वेश्चन 2020 क्या है, पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में फर्क ही नहीं है। पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं क्या फर्क है, बताओ आप, बता दो मुझे क्या फर्क है। कोई भी फर्क नहीं है। चलो, अ पर्सन ब्रॉट अ कार एंड सोल्ड इट फॉर 3 लाख इफ इनकर्ड अ लॉस ऑफ। अब वहां पे 5% है, 20% है, एक दूसरे के इनवर्स है। 20% की वैल्यू क्या हुई 1/5। 5 और 20 को क्रॉस कर दो, 5% की वैल्यू 1/20। तो 1% 2 रिजल्ट। तो सब चीज़ों को समझोगे तो जल्दी समझ आएंगे। अ पर्सन ब्रॉट अ कार एंड सोल्ड इट फॉर 3 लाख इफ इनकर्ड अ लॉस ऑफ 20%। देखो CPSP यानी 20 की चीज आपने, ओ सॉरी 5 की चीज, ये तो 20% की वैल्यू थी, यानी मुझे ये यूज करना है। 5 की चीज कितने बेच दी होगी आपने, 10 बेच दी होगी। देन हाउ मच डिड यू स्पेंड टू बाय द कार। बात खत्म, आंसर 4 हो गया। अब क्या कह रहा है 3 लाख, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 75,000। अब देखो कुछ नहीं करना, जरूरत नहीं है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट है, 1 की वैल्यू कितनी है इतना, इन दोनों को ऐड कर दो, आंसर इज 3,75,000। क्यों मुझे 5 गुना 75,000 करना, आना उतना ही है, क्यों करना फालतू में। जब आपको पता है कि 4 यूनिट की वैल्यू 3 लाख दी है और 1 यूनिट की वैल्यू 75,000 आ गई, तो सिर्फ 5 और 4 क्या है, यही तो है मेरे पास। कि आप 1 यूनिट और ऐड कर दोगे तो 3,75,000 इज द राइट आंसर। क्लियर? जल्दी से नोट कीजिए इसको। तो ये CSAT 2020 का क्वेश्चन था। यहाँ से थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ था, थोड़े क्वेश्चन यहाँ तक आ जाते थे आसान क्वेश्चन, बट इसके बाद थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन आने शुरू हुए थे आपके पास। चलिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं बोलूँ आज ये क्वेश्चन ऑफ द डे है तो गलत नहीं होगा। और ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी CSAT 2020 का काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। इसमें एक खास बात और है इस क्वेश्चन, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। देखिए क्या दिया, इन अडल्ट पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी 40% मैन एंड 30% वुमेन आर मैरिड, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मैरिड अडल्ट पॉपुलेशन इफ नो मैन मैरिज मोर देन 1 वुमेन एंड नो वुमेन मैरिज नो मोर देन 1 मैन एंड देयर आर नो विडोज एंड विडोवर्स। देखो अगर मुझे ये ना भी दिया हो ना अभी मैंने ये मान के चलना है, इस वो कुछ नहीं खासियत है। अगर क्वेश्चन ये दिया होता ना, इन एन अडल्ट पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी 40% मैन 30% वुमेन एंड वुमेन आर मैरिड, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मैरिड अडल्ट पॉपुलेशन, अगर ये होता ना तब भी मैंने ये मान के चलना था कि भैया 1 से ज्यादा मैरिज किसी की नहीं हो रखी और कोई विडो एंड विडोवर्स नहीं है यहाँ पे। तो ये चीज समझ के चलिए कि इस तरह क्वेश्चन में कैसे आपने डील करना है। ये नहीं भी दिया होगा तो चलेगा, एग्जामिनर के हिसाब से उसने एक बार क्वेश्चन दे दिया तो आप अंडरस्टूड है कि आप ये मान के चलोगे, क्योंकि उसने ये भी तो नहीं कहा कि मल्टीपल मैरिज हो रखी किसी की, नहीं कहना तो मान के चलने की एक बार एक ही। क्लियर? देखो अब देखो उसने बोला 40% मैन एंड 30%, अभी कोई डाटा गिवन नहीं है। बच्चा यहीं पे कंफ्यूज यार, कोई डाटा क्या मानना है क्या मानना है। देखो एक बात आओ, ये मैन है ये वुमेन है, नंबर बराबर नहीं होगा बट जो मैरिड पॉपुलेशन है वो तो बराबर होगी। कि अगर वहां पे 2 मैन मैरिड है तो यहाँ पे डेफिनेटली 2 वुमेन मैरिड होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 5 मैन मैरिड है तो 5 वुमेन मैरिड होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना यहाँ पे 4 मैन मैरिड है और यहाँ पे 5 वुमेन मैरिड है, इट इज नॉट पॉसिबल। तो मैं क्या बोलूंगा कि मैन और वुमेन बराबर होनी चाहिए, यानी 40% ऑफ मैन इज इक्वल टू 30% ऑफ वुमेन, इजंट इट? यस यस, दैट इज द केस यू हैव टू फॉलो। क्योंकि मैन और वुमेन की जब तक रेशियो निकलेगी मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो मैन अपॉन वुमेन की अगर मैं बात करता हूँ, ये कितना है मेरे पास 3/4, ये कितना 3/4। मैं ऐसा मान सकता हूँ कि 30 वुमेन है, टोटल 40 वुमेन है, और सॉरी टोटल मेल 40 है और वुमेन मेरे पास क्या है, और मेल 30 है और वुमेन मेरे पास या फीमेल मेरे पास 40 है। तो टोटल मेरे पास क्या होगा 70 हो गया। इसमें मैन कितने आपके पास 30 और वुमेन कितनी 40। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि in the adult population 40% of men, यानी यहाँ से तो 40% of men, यानी कितना 12 मैरिड है, और यहाँ से 30%, यहाँ से भी कितने मैरिड हैं 12 मैरिड, यानी 24 मैरिड हो गए। अनमैरिड पूछता होता तो मैं क्या लेता, ये मैरिड पॉपुलेशन आ गई, यहाँ से अनमैरिड कितना होगा मेरे पास 28, यहाँ से अनमैरिड कितना होगा आपके 18 प्लस 28 डिवाइडेड बाय 70। अब जब मुझे ये बताना है तो मैं क्या करूँगा 12 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 70 इंटू ऑफ 100%, ये निकालना है मुझे, यानी 240 बटे 60%, 7 21, 3 0 7 28, 34 2/7%। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। क्लियर। तो इस क्वेश्चन को क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर या डे कहने का मेरा बहुत बड़ा रीजन था, वो ये था। क्लियर, नोट कीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन था, बिकॉज इसमें क्या था, ना आपको नंबर ऑफ वुमेन पता, ना नंबर ऑफ मेल पता, सॉरी मैन पता, बट आपको परसेंटेज ऑफ क्या दिए, आपको परसेंटेज दी हुई है किसकी, मैरिड पॉपुलेशन की, वहां से आपने इसको निकालना था। क्लियर, नोट कीजिए फटाफट। चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ये भी अच्छा, ये 2021 का पेपर स्टार्ट हो गया हमारा, लास्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्लास में यार कल हम करेंगे 22 से 24 के सारे क्वेश्चन जो भी परसेंटेज के आए हुए हैं। क्लियर, खत्म करेंगे इसे। इन अ क्लास 60% ऑफ स्टूडेंट आर फ्रॉम इंडिया एंड 50% ऑफ स्टूडेंट आर गर्ल्स, मतलब जो भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मुझे दिए हुए हैं, जो भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरे पास हैं उसमें से 60% स्टूडेंट इंडिया से हैं, और जो भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसमें 50% मेरे पास गर्ल्स हैं। क्लियर। इफ 30% ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स आर गर्ल्स देन व्हाट परसेंटेज ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स आर बॉयज। ट्राई करें, 15 सेकंड देना आपको, ट्राई कीजिए प्लीज, इसको ट्राई करिए स्टूडेंट्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आप प्रीवियस ईयर कर लेते हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ अब हमसे क्वेश्चन बन रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वहीं पर सारी इंफॉर्मेशन आने वाली है आपके पास। अभी से तैयारी करोगे तो एंड में जाके जीएस पे फोकस कर पाओगे। ठीक है, कुछ बच्चों का सिर्फ इसीलिए रह जाता है कि वो एंड में सीसेट की तैयारी करते हैं और फिर जीएस की तैयारी डिस्टर्ब होती है। ठीक है, चलो मैंने माना लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 100%, हो गया। 60% फ्रॉम इंडिया, इंडिया से कितने मेरे पास 60%, तो डेफिनेटली फॉरनर्स कितने हुए 40%, 100 में से 60 और 40। ठीक है, इफ 30% ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, मतलब एक चीज और दी है, इसमें से टोटल 50% क्या मेरे पास गर्ल्स, मतलब जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट है एक्स वाई जेड ए बी से जो भी है उसका आधा मेरे पास गर्ल्स है, लड़कियां हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो, इफ 30% ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, यानी इसका 30%, यानी 60 का 30% 18 गर्ल्स हुई, और बॉयज कितने होंगे फिर आपके पास 42, 42 प्लस 18 इज 60। क्लियर। अब देखो ध्यान से सुनो, अगर टोटल 50% गर्ल्स थी उसमें से 18% यहाँ गई तो यहाँ कितनी बची 32% यहाँ पे गर्ल्स हैं और 8% यहाँ पे क्या बॉयज हैं, 32 और 18 50 हुआ। क्लियर। क्या पूछा गया क्वेश्चन में, व्हाट द एग्जामिनर इज आस्किंग इन दिस क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज सेइंग देन व्हाट परसेंटेज ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स आर बॉयज। फॉरेन स्टूडेंट्स कितने मेरे पास 8, बॉयज 8 हैं आउट ऑफ 40 गुना ऑफ 100%, 8 5 40, और ये कितना हुआ 20%। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। Clear. So these were the questions from 2018 to 2021 onwards. तो इन क्वेश्चन से आपको ये पता चलेगा what the level you have to prepare. But अभी 21 वाले क्वेश्चन को देखिए मत बोलिए कि हमें क्या प्रिपेयर करना, जब तक आप 23 तक के क्वेश्चन 24 तक के क्वेश्चन नहीं कर लेते ना, जब तक कोई प्रिडिक्शन मत करना किसी भी चैप्टर को लेके कि किस तरह के क्वेश्चन हमें करने चाहिए। that clear? So please do like, share the subscribe and share the video as well. Clear? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट इज, मैं देखो अभी बता रहा हूं जी, देखो आपके रिजल्ट आ चुके हैं, आपका प्रीलिम्स रिजल्ट आउट हो चुका है। होपफुली आपका रिजल्ट पॉजिटिव रहा होगा मतलब आप मेंस की तैयारी करेंगे। मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा ऐसा जो प्रीलिम्स दे और वो मेंस की तैयारी ना करे, बट विडंबना है, समय की विडंबना है, ठीक है, विधि का विधान है कि अगर एग्जाम दिया कुछ ने पास होना कुछ ने फेल होना, सारे के सारे पास नहीं हो सकते। तो आपने क्या करना, आपने लूप होल्स पे काम करना। मैं अभी भी कह रहा हूँ आपको, अभी भी एक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पे कॉल करो, व्हाट्सएप करो, मुझसे बात करो। कितने सारे बच्चों को फायदा हुआ, लास्ट के दिनों में बहुत सारे बच्चों ने मेंटरशिप ली, ठीक है, कि सर क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आ रही है, क्या कर सकते हैं, मुझे ये चैप्टर अच्छे से नहीं हो रहा। सबको सोल्यूशन मिले, मैक्सिमम कोशिश की है कि सबको सोल्यूशन मिले। क्लियर? और काफी बच्चे ऐसे थे जो ये कहते सर जीएस डिस्टर्ब हो रही है, उनको भी सोल्यूशन बताएं कि इन टॉपिक्स में ये तो एटलीस्ट आप कर ही लो, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने एंड के उसमें तैयारी की, बट उनका सिल सीसेट क्लियर है। उस स्ट्रेटजी होती है कि आपने क्या किया, बट वो ऐसे भी नहीं थे कि कुछ ना पढ़ा था, कुछ पढ़ा हुआ था उन्होंने, एक बार अच्छे से किया हुआ था, रिवीजन की जरूरत थी। ये एक फैक्टर होता है जब आप तैयारी करते हो कि आपको किस हिसाब से चीज़ों को लेके चलना है। अगर आप डे वन से बहुत सीरियस हो अपने कोर्स को लेके, डे वन से आप सीरियस हो कि हाँ मुझे कुछ करना है, तब आप कर पाओगे। ये नहीं है कि हाँ चलो अगले महीने देखेंगे, उसके अगले महीने देखेंगे, कर ही लेंगे, हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं अभी भी एक बात कह रहा हूँ, हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन हमेशा डिसाइडिंग फैक्टर रहता है। बच्चों को लगता है कि क्वांटिटी एप्टीट्यूड या रीजनिंग डिसाइडिंग फैक्टर आपका हमेशा इंग्लिश बनता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग जो होती है ना, वो आपके इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में ही मानी जाती है अभी तक। जो भी बच्चे नहीं क्वालिफाई कर पाते या बाद में जब स्कोर कार्ड आता हम देखते हैं तो हमें क्या दिखता है कि इंग्लिश में नेगेटिव मार्किंग होगी, सर इस वजह से मैं नहीं कर पाया कर पाई। तो आप लोगों को ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेगी, ठीक है। सो वी आर स्टार्टिंग अ ब्रिलियंट सीसेट 2025 बैच इन विच we will do complete aptitude, complete logical reasoning and complete English comprehension with advanced motivated methods. For more information you can call me at or WhatsApp at 9517771651। आप कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर पर मुझे, आप मुझे स्टूडेंट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? दिस इज आवर चंडीगढ़ एंड मोहाली सेंटर एड्रेस। प्लीज ज्वाइन अस फॉर द बेटर रिजल्ट। क्लियर? सो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। जल्दी बैच की जो भी डिटेल्स आपको वहीं पे पता चलेंगी व्हाट्सएप ग्रुप में ही। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।